तो इसलिए दीनदयाल जी ने जब धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर शरीर मन बुद्धि अखंड मंडल आकार ये सब बातें बताई तो लोगों ने कहा ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे हैं, ये कोई प्रवचन हो रहा है। इसलिए इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के संदर्भ में जिस प्रकार के एक अध्ययन होना चाहिए था भारत में वो नहीं हुआ। द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ग्रेजुअली क्रेप्ट इन ए पैसिव वे, न्यू थॉट्स एंड आइडियाज इन्वेडेड अस एंड अवर इंटेलेक्चुअल्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ थिंकिंग लाइक ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स। कार्टून क्या आया, बच्चे सब छोटे छोटे लंगोट पहनकर केसरी रंग के हाथ में कमंडल लेकर कक्षा 5, 6, 7 में जा रहे हैं। वो कक्षा 5, 6, 7 कैसे हैं, वो गुफा है प्राचीन काल की। 1960 के दशक में एक वातावरण था, उसके बाद हम देखते हैं दुनिया में स्थिति बदली है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात जो स्थिति विश्व में है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के विचार चले, कोल्ड वॉर, उस शीत युद्ध के पश्चात 1989 में जब यूएसएसआर धराशायी हो गई, ऐसे हम मानते हैं, धराशायी नहीं हुई, माने ठेंगड़ी जी कहते थे, ऐसे शब्दों का उपयोग करने से लाभ नहीं है, कोई भी ऐसे विचार जो है रचना गए ऐसे लगता है, लेकिन विचार के मृत्यु कभी होते नहीं है, वो किसी न किसी रूप से वो जीवित रहता है और उसके कुछ अच्छे अंश उसको लेकर आगे बढ़ना भी पड़ता है। हर चिंतन विचार में कुछ बातें ऐसे रहती है। खैर, सोवियत रूस के जो एक डिसमेंटलिंग डिसमेंबरमेंट हो गया, उसके पश्चात एक विचार लगा लोगों को, अब तो दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है, अब तो सारे जो विश्व है वो एक ध्रुवीय हो गया। तब तक तो लोगों को लगता था एक दो ध्रुवीय है, बाइपोलर वर्ल्ड है, और थोड़ा सा तृतीय विश्व कहने वाले लोग, थर्ड वर्ल्ड के कुछ लोग हैं, लेकिन दुनिया को जो लीड कर रहे हैं वो बाइपोलर है, या तो आप इस तरफ है या तो इस तरफ है, कैपिटलिज्म के साथ है, सोशलिज्म के साथ है, आप रूस के साथ है क्या अमेरिका के साथ है, ये यही चलता था। तो 1989 में यूएसएसआर के एक समाप्त होने के पश्चात तो दुनिया में जियो पॉलिटिक्स बदले, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स बदल गया, तो एंड ऑफ हिस्ट्री की घोषणा हो गई फुकुयामा के द्वारा। अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, इतिहास होने लायक कोई बात ही नहीं है, अब जो भी है बोलबाला अमेरिका का चलेगा, यानी कैपिटलिज्म का चलेगा, एक ध्रुवीय विश्व, ऐसे एक सपने लोगों ने थोड़ा समय के लिए देखा, लेकिन वो सपने बहुत ही कम समय का था, क्योंकि ऐसे होने वाला नहीं था। देर कैन नॉट बी ए सिचुएशन वेयर यू कैन कॉल दैट देर विल बी एंड ऑफ हिस्ट्री, एवरी जनरेशन विल क्रिएट इट्स हिस्ट्री एंड इट विल बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिविलाइजेशनल जर्नी। इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री के कहना ये एक और ही बात हो गई थी। थोड़े से दिन के बाद और एक विषय आया, हम तो जानते हैं, उसके पहले ही फुकुयामा ने ही अपने बात को वापस ले लिया, दूसरे एक ग्रंथ में, दूसरे एक सेमिनार में बोलकर। तो विश्व में आर्थिक पुनर्विन्यास के, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात चली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी या गैस के कारण डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक करने वाले लोग ही, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जैसे लोगों ने उसी के खिलाफ पुस्तक भी लिखे, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन से बहुत हो गया, अच्छा है दुनिया में बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ऐसे किसी ने, जापान के एक विद्वान ने पुस्तक लिखी। तो इसलिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड है अब दुनिया के जो आर्थिक व्यवस्था है, या एक नहीं है तो फिर शुरू हुआ बहुध्रुवीय विश्व हो गया है, ये यूनिपोलर नहीं है, इट इज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड।
थोड़ा समय में वो उसके भी जो ग्लोबलाइजेशन के यूफोरिया हुआ था वो 10 साल के अंदर वो भी नीचे आ गया। यूएनडीपी का रिपोर्ट आया यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट के, यूएनडीपी के रिपोर्ट ने कहा थी इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वाज एक्सपेक्टेड वाज नॉट सीन इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ भाई, आपने ही कहा था ये होगा, आपने उसको बहुत बाजा बजंतरी से स्वागत किया था, आपने दुनिया के सामने एक नाटक रचा, तो अब वो आप ही कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे तो क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, इसे ग्लोकलाइजेशन एक नए शब्द का हो क्या रहा है। तो इसलिए विश्व में एक तरफ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदलते गया, वो जैसे वो स्थिति बदल रही है आर्थिक विन्यास के, पुनर्विन्यास के, आर्थिक मॉडल्स के बहुत सारे प्रयोग होते रहे, इसमें विस्तार में मैं नहीं आ जाऊंगा। इसका सबका उल्लेख करने का कारण यह है मनुष्य इन सब के पीछे क्यों है। मनुष्य चाहता है सुख, चाहता है सुख की कल्पना क्या है, किस चीज को हम सुख कहेंगे, क्या वो सुख स्थाई है, सर्वदा मिलने वाले हैं, सभी के लिए मिलने वाले हैं, और मुझे जिस चीज के जितने सुख मिलता है उसकी कोई मात्रा है, क्वांटिफाई है, वो सुख उसी प्रकार दूसरे को भी मिल सकता है, वो सुख शरीर को केवल मिलना है कि मन को, बुद्धि को, आत्मा को मिलने हैं, आत्मा के मिलने वाले सुख के क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो मटेरियल बेनिफिट को तो कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कहता है ये सारे आपके जो आत्मा अध्यात्म इस सब के सुख ये सब इकोनॉमिक टर्म्स है ही नहीं आपके। तो इसलिए दीनदयाल जी ने जब धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर शरीर मन बुद्धि अखंड मंडल आकार ये सब बातें बताई तो लोगों ने कहा ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे हैं, ये कोई प्रवचन हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के जगत में इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे सोचने वाले, ऐसे चीजों को, ऐसे रचना को खड़े किए लोग दुनिया में अपने आधिपत्य स्थापित करके अपने बोलबाला चला रहे थे, तो इसलिए उनको लगा उसके अलावा जो भी है वो सत्य नहीं है। There is only one God and that God is known to me and that is the only one way. ये जो एक religious fundamentalism है, ऐसे economic fundamentalism भी चिंतन के क्षेत्र में हुआ है। इस कारण से इसके अलावा होने वाले कोई चिंतन जो है वो चिंतन का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए भारत के विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्राध्यापक लोगों को भी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कोई पता है। इसलिए इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के संदर्भ में जिस प्रकार के एक अध्ययन होना चाहिए था भारत में वो नहीं हुआ, और अध्ययन करवाने के लिए जिनको प्रयत्न करना चाहिए था, मैं इस मंच से वो भी कहना चाहता हूं, कई बार हम लोगों ने कहे जितना अपने को भी करना चाहिए था किया गया। अभी रविंद्र जी ने कहा 75 के इमरजेंसी के पश्चात थोड़ा सा ये हो गया, बाद में किया नहीं, तो फिर से अभी 10-15 वर्षों में 50 साल जब हुआ दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रस्तुत करने के पश्चात, और दीनदयाल जी के जन्म शताब्दी, इन दोनों के जो कालखंड आया उस समय इस विषय के बारे में कुछ तो करना है। और सामान्यतः जो चीजें भारत के समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया है उस प्रकार के विचार को कहने वाले हो जाते हैं, यानी क्या सारे सरकार करने चाहिए। मूल विचार ही दीनदयाल जी ने इसको बताया, सरकार से हर चीज होने वाली नहीं है, सरकार गलती करती है या सरकार नहीं करती, सरकार की कमी है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था क्या है, चिंतन क्या है। अब हमको देश की शिक्षा नीति सरकार ने बनाई, ठीक है बनानी थी, क्योंकि आज जो व्यवस्था है उसमें, लेकिन क्या भारत के हर प्रकार के शिक्षा के हर आयाम सरकार के नियंत्रण में रहेगा? क्या भारत के समाज ने इसी को स्वीकार किया था?
तो शिक्षा है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं सरकार के हाथ में? फिर हर चीज को सरकार के हाथ में क्यों नहीं है? माई बाप सरकार फिर क्यों हम अनावश्यक कहते हैं? इसलिए अपने को सोचना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने हर चीज को सरकार के हवाले देने के पक्ष में थे क्या? यहां महेश चंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने इस विषय के बारे में कभी बताया लोगों को? उन्होंने कहा भी है समाज अपने बुद्धि पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने पुरुषार्थ पर, एक स्वायत्त शासित समाज की कल्पना भी है ना अपने देश में। सरकार के काम है करना चाहिए, शासन से जो अपेक्षा है वो होनी चाहिए, लेकिन समाज के भी एक काम है, समाज के अपने कर्तव्य है। समाज के कर्तव्य यानी कौन करें? समाज के सामान्य लोग जो है रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगे हैं, उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन समाज के जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले, धार्मिक नेतृत्व करने वाले, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार से जो कार्य में जुटे हुए ऐसे विद्वान लोग, अब सभी चीज शासन के मार्गदर्शन में, नियंत्रण में, उसके रचना में होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसे समाज टोटलिटेरियन सोसाइटी को चाहते हैं क्या? इसलिए सरकार की भूमिका कितने, समाज के कर्तव्य कितना, इस वर्ष के 15 अगस्त के अपने भाषण में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोलते समय एक विषय के बारे में बहुत आग्रह करके कहा, उन्होंने कहा सरकार जो कर रही है वो कर रही है, हम यह करेंगे, लेकिन नागरिक कर्तव्य के बाद क्या क्या है, ऐसे उन्होंने आग्रह पूर्वक 5 बातें बताई। ना आप सब अपने बैठे रहो, 5 साल में एक बार वोट डालो, बाकी सब हम सरकार कर लेंगे। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने कहा सरकार इतने करेगी, आपको समाज को नागरिक कर्तव्य के नाते कुछ बातें करनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्य के जैसे हैं समाज के नेतृत्व करने वाले संस्थाएं, समाज के नेतृत्व करने वाले विद्वान लोग, अनुभवी लोग, इन लोगों का भी एक सामूहिक कर्तव्य है, उनके एक नेतृत्व के उनकी एक भूमिका है, तो इसलिए उसके भी अपने को अधोरेखित करना ही पड़ेगा। इसलिए समाज को पंगु करके सरकार को बलवान बनाना यह भारतीय चिंतन की कल्पना कभी भी नहीं है। तो अब दुनिया, उस समय दीनदयाल जी ने जो कल्पना बनाई थी, वर्तमान इसमें इतने जो मैंने बताया 89 में कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, बाद में एलपीजी आए, उसके भी होकर ग्लोबलाइजेशन के विषय बताया, ऐसे करते 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 अब जब दुनिया में आज के भू राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं दिख रही हैं, इसमें बहुत सारे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आसियान ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन हुआ तो उसमें ब्रेक्सिट का क्या हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारे विषय हो गए हैं। अभी यूक्रेन और रूस है, सोवियत रशिया पुतिन के नेतृत्व में फिर से अपने रीग्रुपिंग करके कुछ करने के इसमें है, वो कितना सफल होंगे, बाकी सभी लोग, ये जो चल रहा है दुनिया में, तो इन सारे संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन जैसे चिंतन के क्या स्थान है? मनुष्य को सृष्टि के शिशु हम मानते हैं, मानव केंद्रित चिंतन में कौन से विषयों को देखना पड़ेगा? इसलिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था केवल एक भौतिक व्यवस्था के रूप में ही उसको देखना है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बीच में मार्केटिंग वगैरह वगैरह, इसके बाहर है कि नहीं, या उसको आधार के लिए और कुछ सैद्धांतिक अधिष्ठान के कुछ प्रयोग प्रयत्न भारत के प्राचीन काल से हुआ है ना? इसी के कारण लोग अभी कई प्रकार के धर्मोनॉमिक्स, कर्मा कैपिटल,
ऐसे कई बातों के संदर्भ में कई यूनिवर्सिटी में थोड़े 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 विचार पिछले 15-20 वर्षों में सुनने को मिलता है। अपने पड़ोसी देश एक हिमालयन स्टेट, छोटा देश भूटान, वहां एक उन्होंने एक कल्पना बनाई। हाँ, वो भी एक प्रयोग है, मैं उसी को मॉडल ऐसे नहीं कहता हूं, लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पर, जीडीपी के आधार पर, मनुष्य के नहीं भाई। तो जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो उसको कैसे आकलन करना, उसके क्या, उन्होंने एक 12 इसके पैरामीटर्स बनाए हैं, उसमें कई प्रकार के उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। तो उसमें एक है द लेजर, ऐसे एक 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 स्तंभ है उसका। फुर्सत, आदमी को दौड़ धूप ये जो है ना, उसको समय नहीं है। 24 घंटे हम सब बिजी हो गए हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है। नहीं भाई, मैं कई लोग शाखा में आप संघ के लोग बहुत अच्छे काम करते हैं होते हैं, तो आप भी आइए। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, यानी हम सब खाली बैठे हैं इसलिए संघ काम कर रहे हैं। समय क्यों नहीं है भाई? अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। वर्ष में 2 दिन ना कहीं तीर्थ यात्रा जानी चाहिए, कहीं प्रकृति के बीच जाने, समय नहीं है। पैसा है, समय नहीं है। तो इसलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में लेजर, वो भी एक सुख के लिए, आपको केवल सुख के पीछे दौड़ने से आपको सुख नहीं मिलेगा, सुख के अनुभव करने के लिए सुख प्राप्त करना चाहिए। वो सुख अनुभव कैसे करेंगे आप? घर में 10 लोग हैं लेकिन 10 से अपने मोबाइल छोड़ नहीं रहे, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो 10 लोग क्यों आए थे? कार्टून आया था। वो 10 लोग 9 अन्य शहरों में रहते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है। वो सब क्यों आए हैं? वो सब घर में उनसे नानी माँ से, दादी माँ से, दादी माँ से मिलने के लिए आए। दादी माँ बैठी हैं, वो दादी माँ से मिलने आए हैं, लेकिन सभी अपने अपने आईपैड, अपने अपने ये करके बैठे हैं, दादी माँ से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उस हमको अभी 24 घंटे फुर्सत ही नहीं है ना। ये मनुष्य को सुख केवल मटेरियल चीजों से मिलती है क्या? भौतिक वस्तुओं से? एक दूसरे से मिलकर आत्मीयता से बात करने से सुख मिलता है, तो इस इट नॉट क्वांटिफाइबल। देश की जीडीपी के लिए उसका क्या लाभ है भाई? इसलिए इन सारी बातों को आज पुनः एक बार चिंतन करने के विचार शुरू हुआ है। यह करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने देश में लोगों ने बीच के कालखंड में भारत के सारे चिंतन, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो आना चाहिए वो तो पश्चिम से ही आएगा, क्योंकि सूरज उगना पश्चिम में शुरू हो गया, ऐसे लोगों ने तय कर दिया। इसलिए एक यूरोप केंद्रित विश्व की रचना जो पिछले 300 साल में हुई है, उस कारण से मानसिक गुलामी अभी भी नहीं गई। इसलिए अपने यहां क्या है ये देखना है। हाँ, हमारे यहां जो है वो सब अच्छे है, पुराना मिट्टी व नसाधु सर्व हमने चाहते का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा है आनो भद्रा करतो यंतु विश्व, हमने कहा है, हम उसको मानते हैं, उस पर विश्वास है। दुनिया में जो अच्छी बात है, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन कहीं भी हो, वो मानव के, विश्व के कल्याण के लिए चिंतन है, उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य सत्य है, यही तो हमारे विचार है अब इस भूमि के, लेकिन वो विचार रखना चाहिए। तो लेकिन यहां के विचार के संदर्भ में नहीं, उसमें तो पितु की बात है, आउटडेटेड है, धकियानुसी है,
इसका अर्थ तो ये नहीं है। अब देखिए, आपने एनईपी के संदर्भ में कहा, अब एनईपी में एक विषय है कि ध्यान, कर्नाटक में वहां के शिक्षा मंत्री ने एक 10 दिन पहले उन्होंने एक घोषणा की और उसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी के कक्षा के बच्चों के लिए थोड़ा समय ध्यान कराएंगे कक्षा में, इसलिए ध्यान के टीचर भी रखेंगे। दुनिया भर में इस विषय के बारे में जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर हम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। कल एक कार्टून आया एक मुख्य वहां के समाचार पत्र में। कार्टून क्या आया, बच्चे सब छोटे छोटे लंगोट पहनकर केसरी रंग के, हाथ में कमंडल लेकर कक्षा 5, 6, 7 में जा रहे हैं। वो कक्षा 5, 6, 7 कैसे हैं, वो गुफा है प्राचीन काल की, इन्हें खिल्ले उड़ाए। आप शिक्षा में ध्यान लेकर ये सब कर रहे हैं, तो उसको छापने के साहस वहां के एक मुख्य समाचार पत्र ने किया, ऐसे क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत में हमने यहां के जो सत्य विचार है, संस्कृति के जो यहां के देन है दुनिया के लिए, मानवता के लिए, उसके बारे में कहने का प्रयत्न ही नहीं किया। एक विभिन्न प्रकार के वातावरण में एक इकोसिस्टम बना दिया उन्होंने, उस इकोसिस्टम में ये सारी चीजें धक्यानुची है, इसका लाभ नहीं है। कौन से चीज लाभ है, जो भौतिक जीवन के सुख जो कहते हैं वो भी क्षणिक है, उसको बढ़ावा देने वाले जो भी है वो श्रेष्ठ है। इसलिए आप उस प्रकार के पाठ्यक्रम रखो, उसी प्रकार के कोर्सेस बनाओ, उसी प्रकार के रचना बनाओ। लेकिन उससे क्या हुआ है यह दुनिया अनुभव कर रही है ना। हाँ, उसमें जो अच्छी बात है उसको ले आओ, लेकिन अब दुनिया योग के संदर्भ में, ध्यान के संदर्भ में, इन सारे विषयों के अधिकृत रूप से साइंटिफिकली प्रूव्ड बातों को स्वीकार करके कई देश के लोग आगे बढ़े, लेकिन अपने देश के समाचार पत्रों में किसी को लगता है ये सब गुफा में आप जा रहे हैं, बैलगाड़ी की दुनिया में जा रहे हैं। ये किल्ली उड़ाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, वो मानसिक गुलामी अभी भी नहीं गई है। मैं आपको एक प्रमुख व्यक्ति के एक स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। वो आप पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं किनका है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में है, द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ग्रेजुअली क्रेप्ट इन ए पैसिव वे, न्यू थॉट्स एंड आइडियाज इन्वेडेड अस एंड अवर इंटेलेक्चुअल्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ थिंकिंग लाइक ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स। नाउ दिस फेथ इन वेस्टर्न थॉट इज इटसेल्फ बीइंग शेकन, जिसके बारे में वो कह रहे थे, दैट इटसेल्फ इज बीइंग शेकन देयर, एंड सो वी हैव नाइदर द ओल्ड नॉर द न्यू, एंड वी ड्रिफ्ट नॉट नोइंग वेयर वी आर गोइंग। द यंगर जनरेशन हैज नो स्टैंडर्ड्स लेफ्ट, नथिंग टू डायरेक्ट देयर थिंकिंग और कंट्रोल देयर एक्शन। आपको आश्चर्य होगा, ये लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1956 में उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के ग्रंथ, उसके प्रस्तावना लिखी नेहरू जी ने। उस प्रस्तावना में जो लिखे थे उसको अंग्रेजी में भवंस जर्नल ने 56 में प्रकाशित किया। उसका शीर्षक था द क्राइसिस ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट है स्पिरिचुअलिटी, चेतना के सामने के संकट, अध्यात्म के सामने का संकट, क्राइसिस ऑफ स्पिरिट ए डायग्नोसिस। नेहरू जी ने कहा, और नेहरू जी स्वयं उन्होंने कहा था, I may be remembered as the last Englishman,
उन्होंने ये कहा था, जेके गॉलब्रेथ ने 1999 में अपने पुस्तक में उल्लेख करके बताया, मेरे साथ नेहरू जी बात करते समय ने ये कहा था, आई मे बी द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल इन दिस कंट्री। इसलिए कोई ऐसे लोगों ने, जे गॉलब्रेथ ने लिखा है अपने पुस्तक में। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े पुजारी, उन्होंने कहा हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स के मॉडल पर चल के जिस चेत पे वहां के लोगों ने जिस विचार को फेंक दिया है उसको अभी भी लेकर चल रहे हैं, क्या होगा हमारे देश के नई पीढ़ी युवक के सामने, ये इधर जाएं उधर जाएं, इसलिए डायरेक्शन ले दिशाहीन होकर हमारे देश खड़ा है, ये 56 में कहा। दीनदयाल जी उन्हीं दिनों में देश के राष्ट्र की चेतना के बारे में अध्ययन करके 60 के दशक में यह विचार रखा। तो इसलिए संदर्भ इसलिए का इन बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा। अब कल मैकिन्सी के सीईओ बॉब स्टर्नथर्न ने कहा है, अगले दो दशक भारत के नहीं है, पूरे सेंचुरी, इट विल बी इंडिया सेंचुरी, एकदम खुश हो जाएंगे हम, कोई दुनिया में वो ऐसे कहेगा ये भारत की शताब्दी है। लेकिन उसने क्या कहा है, भौतिक जीवन के कुछ विषय, मार्केट के कुछ विषय, इकोनॉमिक कुछ विषय छोड़कर और कुछ नहीं है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा मैकिन्सी के सीईओ ने। उनको लगता है इंडिया इज ए गुड मार्केट, टैलेंट पूल है, दुनिया के 20% ये आएंगे, तो इसलिए टैलेंट पूल एंड मार्केट ऐसे बहुत बड़ा एक कंज्यूमर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है, इसलिए भारत अब नई शताब्दी के जो है वो भारत की शताब्दी है। यानी दुनिया को देखने के दृष्टिकोण केवल मटेरियल इकोनॉमिक दृष्टि के एक सीमित अर्थ में देखने के कारण इन सारे समस्याओं को हम अनुभव कर रहे हैं। अब कोविड हुआ, पोस्ट कोविड 19 के न्यू नॉर्म्स आएंगे, इसलिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ऐसे कहने और लोगों ने कहा इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, बट वी कैन से इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम दिस, बट चेंजिंग इन टू वॉट वी डोंट नो। तो इसलिए बदलेगा मालूम है, कहां पहुंचेगा यह पता नहीं है। इसलिए एक दीर्घकालीन दृष्टि से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस लेख को क्राइसिस ऑफ स्पिरिट ए डायग्नोसिस उसको पढ़ने के पश्चात कांची के महास्वामी परमाचार्य चंद्रशेखरानंद भारती स्वामी जी महाराज ने एक लेख लिखा, उसका शीर्षक था क्राइसिस ऑफ स्पिरिट ए सॉल्यूशन। उन्होंने नेहरू जी का खंडन नहीं किया, नेहरू जी ने कहा है क्राइसिस क्या है, स्वामी जी ने लिखा क्राइसिस क्यों है, हमने कुछ चीजों को छोड़ दिए हैं, हम रूटलेस हुए, इसलिए क्राइसिस आए। क्राइसिस क्यों आए यह पता करने से आपको सॉल्यूशन दिखेगा। तो इसलिए एकात्म मानव दर्शन को आज के संदर्भ में पुनः एक बार प्रस्तुति और पुनर्व्याख्यायित करने का संदर्भ आया है विश्व के लिए। तो इसलिए दीनदयाल छेर आत्मनोदर्शन के इसमें वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटी में जो काम होगा, जितना होना चाहिए तो हुआ नहीं है, जितना अध्ययन करके लोगों को तैयार करना चाहिए था वो होना चाहिए, लेकिन मैं इस विषय में महाराष्ट्र के और कुछ स्थानों के हमारे जो बंधु काम किए हैं पहले भी, एक ग्रुप ने किया दीनदयाल विचार दर्शन के एक सीरीज लाए, महेश चंद्र जी ने समग्र 15 वॉल्यूम्स में लाए हैं, और बीच में रविंद्र महाजन जी ने नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में जो बनाया था जिसका उल्लेख आपने किया, अभी ये संकल्पना कोश करके इस विषय को आगे बढ़ाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, यह एक ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने चाहिए, हमें
बहुत सारे ग्लासरीज मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आए हैं, सरप्लस वैल्यू क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियट क्या है, ऐसे कई प्रकार के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट्स को बताने वाले मार्क्सिस्ट फिलोसफी के ग्लॉसरीज आए, भगवत गीता के ग्लॉसरी भी आए। आप क्षेत्र क्षेत्र देखे थे, क्षेत्र क्या है, दैवासुर संपद विभाग योग है, दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, उसमें लिखा है, लेकिन इसको क्यों है। बहुत सारे ऐसे विषय भगवत गीता में जो कॉन्सेप्ट आए हैं, निष्काम कर्म, व्हाट इज इट। तो इन चीजों के लिए लोगों ने काम किया है, गीता के कॉन्सेप्ट के बारे में संकल्पना कोष बनाए हैं, लेकिन वो परिपूर्ण है क्या? कई जगह पर तो केवल उसको इंग्लिश मीनिंग रखा है, अहिंसा तो नॉन वायलेंस, अहिंसा नॉन वायलेंस है नहीं, ये धर्म के लक्षण है। धर्म क्या है फिर? तो इसलिए इन बातों के संदर्भ में अनुभवी लोग भारत के वांग्मय को, चिंतन को, यहां के विचार प्रवाह को जानने वाले लोगों के दीर्घकालीन अध्ययन के आधार और अनुभव के आधार पर समाज और मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अपने को इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान व्यवस्था के बारे में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ विचार जो रखा है वो दैट इज ओनली द बिगिनिंग, वो बहुत ऑर्डिनरी स्टेप्स है, करना बहुत बचा है। इसलिए जिस रफ्तार से दुनिया चल रही है, उसी वेग से, उसी गति से, लेकिन सही दिशा में जाने के इस प्रकार के ज्ञान सत्र का कार्य अपने लोगों के और अधिक होना चाहिए, क्योंकि न केवल भारत, विश्व के मानवता अपेक्षा कर रहे हैं, विश्व के मानवता भारत की तरफ देख रही है। तो इसलिए इस संदर्भ में अपने को और गहराई से और व्यापकता से और परिश्रम से जितने कार्य हम कर सकेंगे, हम एक कार्य जो दीनदयाल जी या उनके पहले के भी कई लोगों ने, जो प्राज्ञा बदला तुलगड़िया ने, दैवी दैवी शिक्षा लिखा, अभ्युदय के कल्पना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दी थी, कई लोगों ने कई प्रकार की किए ही हैं, तो उस दिशा में दीनदयाल जी और सारे विभूतियों ने जो कार्य किया उसके सही वारिस बनकर आगे कार्य करने के महती आवश्यकता है। उस कार्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज के इस ग्रंथ लोकार्पण से हुआ है। पुनः एक बार साधुवाद देते हुए इस ज्ञान यज्ञ को हम सब मिलकर आगे बढ़ाए, यही मैं अनुरोध करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।